सनातन धर्म में तुलसी के पौधे को पूजनीय माना गया है। कहते हैं कि इसमें माँ लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में तुलसी का पौधा लगा होता है वहाँ पर सुख शांति और समृद्धि आती है। इतना ही नहीं, रोजाना तुलसी पर जल चढ़ाकर इसके पास घी का दिया जलाना चाहिए और विधि विधान से तुलसी के पौधे की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है और साथ ही घर में सुख समृद्धि भी बनी रहती है। तो आइए जानते हैं कि तुलसी की पूजा करते समय किन नियमों का पालन करना चाहिए और किन महिलाओं को तुलसी की पूजा नहीं करनी चाहिए। मान्यता है कि हमेशा स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहनकर ही तुलसी के पौधे को छुए। साथ ही मासिक धर्म यानी कि पीरियड्स के दौरान महिलाओं को तुलसी की पूजा नहीं करनी चाहिए। इस दौरान आपको पौधे से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। अब बात आती है कि तुलसी की पूजा करते समय किन नियमों का पालन करना चाहिए। तो बता दें कि तुलसी का पौधा ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहाँ पर साफ सफाई हो। माँ लक्ष्मी वही वास करती है जहाँ स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। ऐसे में तुलसी के पौधे को कभी भी जूते, चप्पल, झाड़ू, गंदे कपड़े के आसपास नहीं रखना चाहिए। ना ही गंदे हाथों से या बिना नहाए तुलसी के पौधे को छूना चाहिए। तुलसी की पूजा का नियम ये भी कहता है कि एकादशी के दिन तुलसी की पूजा सच्चे मन से करनी चाहिए, लेकिन उन्हें जल नहीं अर्पित करना चाहिए और एकादशी के दिन तुलसी का पत्ता भी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि इस दिन माँ लक्ष्मी का व्रत होता है और उन्हें छूने से व्रत खंडित हो सकता है। इसके साथ ही बुधवार और रविवार के दिन भी तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए।